हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें इस वक्त हम फैदाबाद और दिल्ली से सटा हुआ जो लक्कड़पुर गांव है, पीछे आप लक्कड़पुर गांव है, इस यहां पर भारी तोड़फोड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एमसीएफ डिपार्टमेंट अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए यहां मौके पहुंचा है। तमाम देख रहे हैं पुलिस फोर्स मौके मौजूद है। इस तरह आप देखिए पूरी टास्क फोर्स लगाई गई है ताकि कोई चीज दिक्कत ना आ सके। मौके पर एसडीओ है, जेई है, तहसीलदार है, तमाम कई तरीके के एक्शन वैक्शन सब मौके पहुंचे पड़े हैं। सूरजकुंड थाने से पुलिस एसएचओ भी मौके मौजूद है। कोशिश करेंगे कि क्या तोड़फोड़ हो रही है, किसकी तोड़फोड़ है, जानने की कोशिश करते हैं अंदर। लगातार जितने भी आप पहले आपको दिखा दूं, हाँ मौके पर आप देख सकते हैं क्या क्या तोड़फोड़ की गई है। एक बार हटेंगे भैया जी, हटेंगे हटें, भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर है ताकि कोई दिक्कत या समस्या ना आ सके। इसको भी खाली कराया जा रहा है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कि तोड़फोड़ किस तरीके की जा रही है। ये लक्कड़पुर गांव का एरिया है, काफी सारे शेड है, कंपनी है, कुछ ऐसे एरिया को हटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर लोगों के मुताबिक यहाँ पर पूछेंगे कि देखिए जिस तरीके से पूरी तरीके से देख रहे हैं आप, कम से कम 4 से 5 जेसीबी लगाई गई थी। कुछ जेसीबी उधर लगाई जा रही है, उधर उधर जेसीबी चल रही है। कुछ लोगों से पूछेंगे कि वजह क्या रही है, क्या इन्हें नोटिस वोटिस दिए गए या फिर नहीं दिए गए। भैया एक बात सुनोगे भाई, क्या ये तोड़फोड़ करने आए थे, कुछ बोला बोला था पहले या फिर ऐसे पहले आगे तोड़फोड़ करने? भैया को हमें, हम लोगों को बोलते तो हम ऐसे क्या करते हम तो? अच्छा, कुछ नहीं बोले हम लोगों से, हम तो ऐसे आए तोड़ चले गए। अच्छा, सामान और हटाने का मौका भी नहीं दिया था? कहाँ, देख रहे हो सर, इसी के नीचे सारा सामान पड़ा हुआ सर। अच्छा, और क्या 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 कह रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, क्या बोल रहे हैं? पहले जनाब हमारे घर तो भी है, वो भी तोड़ दिए, अब किराए पे रह रहे थे, किराए पे हमारे घर भी है, सामान भी दाब दिया, पीछे तो तोड़ फोड़ हुई है। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे थे वो यहाँ नहीं है, मेरे घर छोटे वाली भी वो लेके गई है। अच्छा, तो आपको बोला बोला नहीं है सामान हटाने के लिए? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हम उसी जगह पड़ती है, क्या जगह? ये सूरजकुंड एरिया पड़ता है जी, सूरजकुंड लक्कड़पुर, लक्कड़पुर का। हाँ जी, तो अभी किन किन चीजों को क्या क्या तोड़ा, ये सब क्या तोड़ दिया? ये फैक्ट्री एरिया था, इसमें भी सामान बहुत सारा दब चुका, कम से कम करोड़ों का सामान था इसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो भी टूट गया। तो फिलहाल में तौर पे देखिए जेसीबी इधर भी, एक जेसीबी भी आई है, उधर से भी और भी जेसीबी उधर से आ रही है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। इधर इधर देखिए, अब ये साफ साफ कहना है कि गरीब आदमियों पर चोट डाली जाती है। पहले ये देखिए सामान जिस तरीके से बाहर निकाल दिया है लोगों ने, भाई ये सामान टूटा हुआ सामान को फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सामान वाम जिस तरीके से लोग अपना सामान निकाल के रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सामान निकालने का टाइम दिया या नहीं दिया, मैं पूछूंगा अंदर, एक्शन है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है कि वजह क्या है, तोड़ने की वजह क्या रही, क्योंकि महिला पुलिस भी पहुंची है। देखिए सामान वाम सब निकाले गए हैं, अंदर कोशिश करेंगे जितने ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं। पहले ये देख लीजिए, पूरी कंपनी की कंपनी यहां से उड़ा दी है, और शायद बताया जाता है कि रास्ते को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि ये एमसीएफ की गवर्नमेंट की जमीन है, जो भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है या नहीं वो भी पूछूंगा। ये देख रहे हैं पूरी पूरी है कंपनी वंपनी को साफ साफ कर दिया गया है। यहाँ पर लकड़ी वकड़ी का काम चल रहा था, ये लकड़ी वकड़ी का शायद जो कंपनी है, कंपनी की चीज की है। चलिए जाने सर, कहाँ है तहसीलदार साहब, कहाँ गए? ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ है? कोशिश करते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनसे जाने की कोशिश करें। कैसे हैं आप? ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ है? कहाँ पदम जी सर? ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ मिलेंगे? कहाँ, कौन से? हाँ कोशिश करते हैं एक बार, हटना हटना भाई, हटना। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप सर? थोड़ा जानकारी दे दीजिए सर, आज तोड़फोड़ हुई अच्छी खासी, क्या है जानकारी? तो सर जानकारी देने वाले को आने का है नहीं यहाँ पे। तो आप सर इतने सर माहिर हैं, आप पूरा आपका एक्सपीरियंस बोलता है, आपको तो सब पता, पूरा एमसीएफ संभाल रहे हैं सर आप, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हम नहीं देंगे। तो फिर भी कुछ जानकारी होंगी जी? ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या जानकारी देंगे, हम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमने तो। आज लॉ एंड ऑर्डर, आप तो पूरे एमसीएफ को हैंडल कर रहे हैं, आप पूरे शहर को देख रहे हैं, कहीं अतिक्रमण होते हैं वहाँ आप नजर आते हैं उम्मीद जी, कन्फर्म है। लेकिन क्या है आज जानकारी, क्या है आज जो तोड़फोड़ की जा रही, क्या है एक बार पूरी जानकारी थोड़ा सा दे दीजिए। बस ये नाला जो एनक्रोच कर रखा है जगह जगह से, उसको उसमें जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देना है, ये व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है, कितनी जगह है, कितने है, मतलब किसके आदेश पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है या किसकी जगह है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नाले की जमीन है ये। अच्छा, इसी को हटा रहे नाले पर। तोड़फोड़ क्या क्या की गई है आज? अभी चलेगी, शाम तक चलेगी, मतलब कितना तोड़ेंगे, एरिया क्या है, मतलब कंपनी आ रही है घर शाम तक 4 बजे तक, जितना भी हमारे उस नाले की लाइन में आएगा उस सबको हटाएंगे। तो अभी किधर, इधर जाएंगे लक्कड़पुर साइड में या फिर लक्कड़पुर की तरफ जाएंगे? लक्कड़पुर की तरफ से। अभी घर भर को कुछ नोटिस वोटिस दे दिया, सामान वामान निकालने के, कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने पहले नोटिस दे दिए। अच्छा, नोटिस दे दिया, कार्रवाई हो रखी है। कितनी जेसीबी मशीन आज लगाई है सर? 4 जेसीबी मशीन, 4 मशीन लगाई है। तो आप देख रहे हैं ओमबीर जी हैं, इस पर एक्शन है, और जानकारी के मुताबिक ये दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अपनी जमीन जो यहाँ नाले की जमीन थी, मतलब जो सरकारी जमीन थी, नाले की जमीन को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 4 बजे तक की आपकी तोड़फोड़ की कार्रवाई चलेगी, लंबी चौड़ी कार्रवाई है। तो तोड़फोड़ की कार में अभी जो भी बीच में जो भी आएगा उनको भी तोड़ा जाएगा। भैया जी आपकी कोई कंपनी नहीं है क्या?
नहीं जी, हम तो गांव के निवासी हैं। ये कंपनी अपनी किसकी है? ये कंपनी बाहर के लोगों की है। अच्छा, बाहर के लोगों की है, तो कोई तो होगा यहाँ पर। कहाँ है कंपनी अपनी का मालिक है? इसमें अंदर ही है, अंदर है मालिक। पगड़ी पहन रखी है, अगर मिल जाए तो कहाँ है देखें एक बार। कोशिश करते हैं जो पगड़ी पहन रखे हैं अगर वो जानकारी दे, वो रहे पूछते हैं उनसे कि अगर क्या थी, क्या दिक्कत है, परेशानी है। सरदार जी क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं? नोटिस दिया, क्या बोल रहे हैं कि अवैध वैध था, इलीगल भी जगह तोड़ रहे हैं, इसलिए कुछ कह रहे हैं? नोटिस तो कोई दिया नहीं ना। नहीं, ये कंपनी आपकी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होंगे? किराए पे तो उनसे पूछा नहीं भाई, जिनसे आपने किराए पे लिया? भाई पूरा सामान है लगा हुआ है, आए हुए ना सब। अच्छा, तो कहाँ है वो? अभी आए हुए वो सामने। तो अभी कितना नुकसान हुआ है, मतलब क्या क्या तोड़ा आपका? ये सारा शेड तोड़ दिया, नुकसान, लकड़ी वकड़ी सब खराब कर दी। अच्छा, तो कितने का नुकसान आपको पहुंचा है? एक लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लाखों रुपए का नुकसान, मतलब आपको हटाने का टाइम भी नहीं दिया लोगों ने? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ना कुछ चिपकाया, कुछ किया नहीं। मालिक है तो मालिक से पूछे, जो आपके जिस पे किराया लेके नुकसान हो रहा है, तो अगर उन्होंने ऐसी जमीन दे रखी, उनको भी नोटिस दिया, स्टे ऑर्डर उनके पास नहीं मान रहे। अच्छा, स्टे ऑर्डर है उनके पास? तो कहाँ है मालिक एक बार अगर बुला दें? अगर कौन से मालिक में? क्या नाम है उनका? अनिल। चलिए एक बार पूछते हैं कि स्टे ऑर्डर था या फिर ऐसे ही पता चला बिना स्टे ऑर्डर के ही ये इस तरीके से, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि लंबा चौड़ा एरिया, अभी तो बहुत सारा एरिया जो आएगा, ये अभी हो सकता है कि इस एरिया के बीच में कौन कौन सी चीजें आएंगी वो तो अभी पूछेंगे अभी, क्योंकि जानकारी पूरी नहीं देने की कोशिश की जा रही है। अनिल अभी देखिए कौन है अभी जाने को। अभी चलिए, यहाँ पार्षद भी है शायद मौके पर, पार्षद भी मौके पर हैं। भाई जी क्या, एक बार आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? आपके एरिया में हो रही है तोड़फोड़ अच्छी खासी, क्या लोगों को? नाले की जगह है, कोई बात नहीं, और नाला तो निकलना भी चाहिए उसमें, कोई सबके लिए काम आने की चीज है, और सबने खाली, लगभग खाली पड़ी है, लोगों ने खुद नहीं खाली कर दी है। इसमें 12-15 फुट जमीन आ रही है नाले की, ये भी आएगा 12-15 फीट। तो नगर निगम से अधिकारियों से हमने कहा है कि एक हफ्ते का, इन्हें जिनके मालिक है उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा, तो इनका, इनको क्यों नहीं टाइम दिलाया फिर आपने? ये कह रहे हमें टाइम नहीं दिया, ये भी लकड़ी वाले खुद ही खाली करा लिया है। तो पहले ही खाली, लाखों का नुकसान हो गया, ये बता रहे कि मेरी तो रेंट पे, मुझे टाइम ही नहीं दिया, हटाने का भी टाइम नहीं दिया। नहीं, ये तो पहले ही खाली पड़ी है। सरदार जी बोल रहे हैं, जो सरदार जी, सरदार जी को नहीं दिया, सरदार जी ने, हम आए लेट है, मैं जब आया हूँ, जब मुझे पता चला तो हमने बात करी है। एक हफ्ते का टाइम नगर निगम ने दिया है इसके लिए, क्योंकि अगर ये पूरी टूटेगी, जेसीबी लगेगी तो पूरा खराब हो जाएगा। जितनी सरकार की जगह उतनी सरकार को ले ले अपने। तो अभी कितनी और जमीन आ रही है यहाँ पर, कितने और अपना आ रहा है? जो डिमार्केशन कर रखा है सारा, जो भी होगा लगभग लोगों ने खाली कर रखा है। ओके, ये खाली जगह है वैसे तो, लगभग सी खाली जगह, पूरा इतना खाली होती तो। ये देखिए किस तरीके से, देखिए पूरी तरीके से खाली कर रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता बताया जा रहा है, ये रास्ता, यही नाले का रास्ता है पूरा, यही है पूरा नाले का रास्ता, यही पूरा का नाले का रास्ता, और रास्ते में जो जो मकान आ रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया, हट जाओ भैया, थोड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस नहीं दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि मौका भी नहीं दिया। अभी सामान देखिए अपना बचा बचा के साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी भावना ना टूटे और कुछ भी ऐसी मामलों ना खराब हो, इसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैयार कर दी गई है, यहाँ पर खड़ी की गई है। आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी, क्या माहौल है इस टाइम, क्यों पुलिस कितनी है? अभी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को भी अच्छी खास, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कंपनी है, इसमें भी काफी हिस्सा इस नाले की जमीन पर आ रहा है, तो इसको शायद मौका दिया जा रहा है कि कितने दिन का, तो ये वरना इसको भी तोड़फोड़ की जाती। चलिए आप